हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड यहां से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो ओम्स लॉ था उसको डिस्कस कर चुका था। तो हमारा मेन पर्पस होता है कि एनसीईआरटी के बुक का एक एक लाइन को क्या करना, रीड करना और उसको समझना। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड, यानी किस फैक्टर पे हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि फैक्टर कौन सा है जिसपे हमारा रेसिस्टेंस क्या है डिपेंड करता है। तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो आर, जो रेसिस्टेंस आर जो है, हमारा रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ होगा। यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस है कि लेंथ ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगा, तो फ्लो ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एंड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी ये दोनों इक्वेशन को मिलाया तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या आ गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल बाई ए। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो हमारा आर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्या हो गया, रो, रो इंटू एल बाई ए। रो इज ए कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी रो जो है वो कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस अलग हुआ, रेसिस्टेंस आर हुआ जिसका एसआई यूनिट ओम होता था। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, यानी एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। द मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन ए रेंज ऑफ 10^-8 ओम मीटर टू 10^-6 ओम मीटर तक। मेटल और एलॉय जो है उसके पास वेरी लो रेसिस्टिविटी, बहुत कम रेसिस्टिविटी होता है, 10^-8 ओम मीटर से 10^-6 ओम मीटर तक। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब रेसिस्टिविटी कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, जब रेसिस्टेंस कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर तो होना ही है। इंसुलेटर लाइक रबर, जो रबर क्या है, इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास है रेसिस्टिविटी इन ऑर्डर टू 10^-12 टू 10^+70। यहाँ पे माइनस पावर था, वहां पे क्या है, प्लस पावर है। यानी बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, बोथ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी करता है। रेसिस्टेंस भी वेरी करता है और रेसिस्टिविटी भी वेरी करता है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। देखिए टेबल 12.2 रिवेल्स दैट रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, जिस मेटल से मिलके बना होगा एलॉय उससे ज्यादा उस एलॉय का रेसिस्टिविटी होगा, यानी प्रतिरोधक होता, प्रतिरोधकता होगा। यानी रिवेल दैट रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय इज जनरली हायर, यानी एलॉय का रेसिस्टिविटी क्या होगा, हायर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, जिस मेटल से मिलके बना होगा। जैसे हमारा कॉपर और जिंक से मिलके बना कोई एलॉय, कॉपर और जिंक का एलॉय क्या होगा, ब्रास होगा। कॉपर और जिंक से मिलके अगर ब्रास बना तो ब्रास का रेसिस्टिविटी जो होगा वो कॉपर से और जिंक दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। एलॉय डो नॉट ऑक्साइड या बर्न रेडियली एट हायर टेम्परेचर, यानी हायर टेम्परेचर पर एलॉय
ऑक्सीडाइज और बर्न नहीं होते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, इसलिए इसका कॉमनली एलॉय जो होते हैं, अब एलॉय क्यों यूज किए जाते हैं पूछा जाएगा, फॉर दिस रीजन इसी रीजन के कारण दिस इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, यानी एलॉय को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है क्योंकि वो आसानी से बर्न और ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टेस्टर्स इटीसी। तो इलेक्ट्रिक आयरन और टेस्टर्स इटीसी में यूज किया जाता है। टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, यानी इलेक्ट्रिक वायर के फिलामेंट में किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का। तो हमारा टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के फिलामेंट में, वेयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, यानी इलेक्ट्रिक के तार के लिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर बनाना है अगर हमको ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के लिए कॉपर और किसका, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनेक्स में कुछ मेटल्स के जो है वो रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टर, कुछ कंडक्टर, कुछ एलॉय और कुछ इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बहुत कम है क्योंकि इसमें माइनस पावर है, 10^-2 है और बहुत कम है, 1.6-1.62 के करीब है। एलॉय में भी माइनस है लेकिन ये उससे ज्यादा है इसका रेसिस्टिविटी। और इंसुलेटर जो है उसका तो 10^+ में चला गया है। तो ये सारे रेसिस्टिविटी है, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी इसमें किसका है दिख रहा है, सिल्वर का। तो ये आप याद कर सकते हैं कि सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है, सबसे लोएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का। और इसमें जो है ग्लास, जो है ग्लास का सबसे हाईएस्ट रेसिस्टिविटी यहां दिखाया गया। तो ऐसा याद कर सकते हैं, इस टेबल को आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी हमारा ये वोल्टेज दिया है, गिवन डाटा क्या है, 200 वोल्ट यानी V, V इज इक्वल टू क्या दे दिया, 220 वोल्ट। अब जो उसमें फिलामेंट लगा है उसका रेसिस्टेंस क्या दे दिया, 1200 ओम। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि करंट I का फॉर्मूला क्या होता है, V by R, तो V लिख दिया और R लिख दिया, तो यहां से I हमारा क्या आ गया, 0.18 एम्पियर के करीब आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या कह रहा है, B, हाउ मच करंट विल बी द इलेक्ट्रिकल क्वाइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर क्वाइल, क्वाइल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो वही I निकल गया V by R। अब V by R, यहां से I निकला 2.2 एम्पियर। अब नोट दैट द डिफरेंस इन द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सर्किट हीटर फ्रॉम द सेम वोल्टेज सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट और हीटर दोनों का करंट का वैल्यू क्या आया, अलग अलग आया। वो क्यों आया कि इस दोनों का रेसिस्टिविटी जो है वो अलग अलग है। जब रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा। क्यों आया है, ये रेसिस्टिविटी दोनों का क्या है, डिफरेंस, डिफरेंट इन रेसिस्टिविटी। अब चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे का क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच, दोनों टर्मिनल्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 16 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, वोल्ट दिया है तो V वोल्ट,
When drawing a current of 4 एम्पियर, तो करंट कितना हो गया 4 एम्पियर फ्रॉम ए सोर्स. व्हाट इज द विल बी द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट. हमको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है 120 वोल्ट तक. तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो सबसे पहले हमको उस जो इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें जो कॉयल लगा है उसका रेसिस्टेंस तो हमेशा सेम होगा क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस. तो हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, जो पहला V और I दिया है उससे हम V by I करके R निकाल लिए, तो R कितना आ गया हमको 15 ओम. ठीक है, और करंट निकालना है, V पता है I पता है, तो 8 एम्पियर करंट आ जाएगा. यानी द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर से जो हमारा करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर का करंट हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक हीटर से भेजेंगे, तो हमको 120 वोल्ट क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. अब हम पहले लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम. यानी L क्या हो गया 1 हो गया, एंड R क्या हो गया 26 ओम. ठीक है, L क्या हो गया 1, R 26 ओम एट 20 डिग्री. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, अगर डायमीटर क्या है 0.3 है, एंड इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री पर रेसिस्टिविटी जो होगा वो हम क्या करेंगे, वहां से निकालेंगे डाटा से, टेबल से. तो टेबल से निकाल के इसमें दिया है कि रेसिस्टिविटी जो है इतना है, तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर. तो इस टेम्परेचर पे हमारा रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. आर ए बाय एल सारे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर दिया है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4 d² हो जाएगा. तो यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इतना आ जाएगा. द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट 20 डिग्री C इज इतना ओम पर मीटर. फ्रॉम द टेबल वी सी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम. अब टेबल में अगर हम जाके फिर मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि एक किसका रेसिस्टिविटी है, मैग्नीज का रेसिस्टिविटी है. तो पहले हमको सारे वैल्यू पुट करने हैं, रेसिस्टिविटी निकालने हैं. रेसिस्टिविटी के लिए आर हमको रेसिस्टिविटी निकालने हैं. रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आर रो एल बाय ए होता है, वहां से रो निकल जाएगा आर ए बाय एल करके. तो हम लोग यहाँ से रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे और इस रेसिस्टिविटी को निकाल के फिर टेबल में मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक किसका रेसिस्टिविटी है, तो मैग्नीज का रेसिस्टिविटी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 4 ओम A 4 ohm resistance wire is double on it. Calculate the new resistance of the wire. एक वायर है जिसका resistance 4 ohm है. अगर इसको डबल कर दिया गया तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. ठीक है, तो अभी भी इसको निकालना पड़ेगा कि न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा. तो देखिए हमको दिया था कि R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू कितना दिया था, 2 ohm दिया था, 4 ohm दिया था. R इज इक्वल टू 4 ओम दिया था. तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अब L को क्या कर दिया, R इज इक्वल टू रो L को L बाई 2 कर दिया. यानी व्हेन द वायर इज डबल इट्स लेंथ वुड बिकम हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड बी डबल. जब वायर को हम डबल करेंगे तो लेंथ क्या होगा, व्हेन ए वायर इज डबल ऑन इट इट्स लेंथ बिकम हाफ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वुड बी डबल.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगा। तो लेंथ को हाफ पुट किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल पुट किया, तो यहां से दोनों का इक्वेट किया तो ए, क्या आ गया, आर वन इज इक्वल टू आर बाई फोर आ गया। आर वन इज इक्वल टू आर वन और आर टू में रिलेशन, आर वन और आर में जो रिलेशन निकाला पहले, तो आर वन इज इक्वल टू आर बाई क्या आ गया, फोर आ गया। तो फोर ओम बाई फोर यानी वन वन ओम आ गया। तो इसमें क्या था कि व्हेन वायर इज डबल ऑन इट, जब वायर को इसके दोगुना करेंगे, क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, इट्स लेंथ वुड बिकम हाफ। तो लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वायर से वो रखेंगे और हमारा R इज इक्वल टू आर बाई आर वन इज इक्वल टू आर बाई फोर आएगा, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस जो है वो आ जाएगा कितना, वन। ठीक, तो एक कुछ क्वेश्चंस थे, इसको मैंने करा दिया। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, यानी रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, जब दो या तीन या चार रेसिस्टेंस होंगे तो हमको निकालना है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन। तो देखिए, इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी लर्नड अबाउट द सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या किए, देख लिए। वी हैव नोटिस्ड दैट हाउ द करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, यानी करंट कैसे अपने पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफ्टन यूज रेसिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे गैजेट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट, उसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वी नो देयरफॉर इंटेंड टू सी ओम्स लॉ कैन अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन भी होगा उसमें भी हमको क्या करना होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा। देयर आर टू मेथड फॉर ज्वाइनिंग द रेसिस्टर टूगेदर, यानी रेसिस्टेंस को ज्वाइन करने का, एक दूसरे से ऐड करने का दो मेथड है। फिगर 12.2 शो द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इन थ्री रेसिस्टर हैविंग आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइन एंड बाय एंड। तो पहला हमारा हो सकता है एंड बाय एंड, ठीक है ना, टू मेथड फॉर ज्वाइनिंग रेसिस्टर, रेसिस्टेंस को ज्वाइन करने का कितना मेथड होगा, टू मेथड होगा, जिसमें पहला क्या होगा एंड टू एंड, एंड टू एंड, हियर द रेसिस्टर्स इज सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर एंड टू एंड कनेक्शन होगा, क्या होगा, एंड टू एंड, एक एंड रेसिस्टर्स के एक एंड से दूसरे एंड का रेसिस्टर जुड़ा रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस इन सीरीज। देखते हैं, डायग्राम दिया होगा, जैसे हमारा इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस जो है वो इसका एक एंड, इस रेसिस्टेंस का एक एंड इसके एक एंड से जुड़ा हुआ है, इसके एक एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के रेसिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सीरीज में, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज में। फिगर 12.7 शो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच थ्री रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टूगेदर by point x and y, here this resistance is said to be parallel resistance। तो यहाँ एक दूसरे एक एंड से दूसरा एंड नहीं जुड़ा हुआ, यानी सबका एक एंड और सब जितने रेसिस्टर हैं उनका सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पे दोनों का दोनों एंड है, एक का एक एंड एक पॉइंट पे, एक का एक एंड एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक एंड है और एक यहाँ पे एक एंड है। तो इस रेसिस्टर्स को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो है रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो हम रेसिस्टेंस इन सीरीज स्टार्ट करते हैं।
अब चलिए, अब रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है कि वी ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3. Therefore, the total potential difference across the combination of resistor in a series is equal to the sum of potential difference between the individual resistor. तो individual resistors का potential difference जो होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा. मान लीजिए यहाँ का जो है, यहाँ पे एक resistance है, यहाँ पे एक resistance R1 है, इसके दोनों end के बीच का potential difference V1 है. यहाँ का रेसिस्टेंस R2 है, इसके दोनों के बीच V2 है, इसका दोनों के बीच V3 है. तो टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. V इक्वल टू V1 हो गया, ये क्या हो गया V2 हो गया, और ये क्या हो गया V3 हो गया. तो वही वहां पे उस इक्वेशन में वो बताना चाह रहा है कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 प्लस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. लेकिन ये कब होगा, सीरीजेज में ही होगा. ओनली ए कब होगा, सीरीजेज जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तभी होगा. तो ये ओनली क्यूब कब होगा, सीरीजेज कॉम्बिनेशन. तो ए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया था, और हमको पता था कि V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू R1. V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू R2. V3 को क्या लिख सकते हैं, V इंटू R3. यानी हमने क्या लिखा, V1. V इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, V1. V इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, यहां से हमने पहले क्या लिखा था, एक बार देखता हूं, दिखाता हूं आप लोग को यहां पे लिख के. V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल V इज इक्वल टू था अपना V वन प्लस V टू प्लस V थ्री. V इज इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था, और V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I. V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय R. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V1 इज इक्वल टू क्या था, I R हो गया. V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1. V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R2. V3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R3 हो गया. V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1. V2 इज इक्वल टू I R2 हो गया. एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R3 हो गया. तो यहां से ए तो इतना आ गया, V1 V2 V3. अब ए हो गया, और ये हमको पता ही है, V इज इक्वल टू आई वाई आर हो गया. तो यहां से हमारा V इज इक्वल टू वी आर आई आई वन आर वन आई टू आर टू आई थ्री आर थ्री. अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें हम अगर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा. V इज इक्वल टू, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया. यहाँ पे जो है ये जो है वो गलत है. V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया. V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V इज इक्वल टू आई आई आर हो गया, आई आर. तो यहां से यहाँ V के जगह पे क्या रख दिया, V के जगह पे इस V के जगह पे आई आर रख दिया, और V1 V2 का वैल्यू पुट कर दिया. तो हमारा क्या आ गया,
आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो सीरीज में कोई भी रेसिस्टेंस अगर ऐड होगा तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेसिस्टेंस इज 20, इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेसिस्टेंस इज resistance is 20 ohm, यानी R दे दिया 20 ohm, having a conductor of 4 ohm resistance, ठीक है ना। लैंप का रेसिस्टेंस क्या है 20 ohm, which resistance is 20 ohm, लैंप का रेसिस्टेंस, एंड कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है 4 ohm है। एक कनेक्टेड किसके थ्रू है, एक बैटरी के थ्रू, जिसका वोल्टेज 6 volt का बैटरी के थ्रू। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसका रेसिस्टेंस 4 हो गया, ठीक है, और ये इसके किसके, इससे जुड़ा हुआ है, ये बल्ब से, बल्ब इसके क्या है, सीरीज में है, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 24, तो हमारा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट यानी सर्किट के थ्रू करंट कितना जाएगा, तो करंट कितना जाएगा इसको भी हम देखेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। करंट और उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, तो इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी निकालना है हमको और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना था, तो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकाला था 24 निकाला था, जो कि यहाँ पे 20 प्लस 4 24। अब वी वोल्ट दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट कितना जाएगा, तो 6 वोल्ट, एंड टोटल रेसिस्टेंस कितना है 24 है, यानी 0.25 हमारा करंट क्या होगा इस सर्किट के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है कि नेक्स्ट में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 हम निकाल सकते हैं 20 इंटू, अब हमको जिस रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग V1 क्या होगा 20 इंटू 0.25 5 वोल्ट, एंड V2 जो लैंप वाला है उसके थ्रू निकाल सकते हैं 4 ओम इंटू इतना, तो ये लैंप का रेसिस्टेंस कितना था, लैंप का रेसिस्टेंस क्या था 20 ओम था, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकल गया और एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकल गया, तो 5 वोल्ट हो गया और 1 वोल्ट क्या हो गया ए हो गया सीरीज 6 वोल्ट। सपोज वी लाइक दैट रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर बाय सिंगल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इट रेसिस्टेंस मच बी सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल विल कॉज 0.25 एम्पियर करंट, द रेसिस्टेंस आर ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेसिस्टर विल बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेसिस्टेंस, यानी इक्वल क्या होता है रेसिस्टेंस टोटल सर्किट का क्या होगा सम होगा। तो वही ऐसे भी निकाले तो 5 प्लस 1 कितना आ गया पोटेंशियल 6 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमको एक बार लैंप का निकाल लिया, लैंप के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल और कंडक्टर के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकाल लिया, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो
तो थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और प्रेरणा ले सके आपसे। आपको समझ नहीं आए तो दोबारा भी देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरे क्लियर हो। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप पिछले सारे लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।